हाय दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अभी हम बात करने वाले हैं नेवी एमआर की। फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आए हमारे पास, सब देखेंगे, जो कि 21 सितंबर 2019 को आया है। पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो बता दें कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक ना, ये आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, वो पूछा गया है चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक ना। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, याद कर लीजिए कि भारत में सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, राकेश शर्मा इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, तो आप इसे भी याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, काबुल किस देश की राजधानी है, ये क्वेश्चन पिछले एमआर में पूछा गया, मतलब 2 दिन पहले 19 को ये परीक्षा हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी अगर प्रीवियस जीके को देखे होंगे तो वो पक्का ये क्वेश्चन करके आए होंगे। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। काबुल की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल किस देश की राजधानी, तो अफगानिस्तान देश की राजधानी है। अभी तक नहीं देखे हैं जीके की प्रैक्टिस है, तो जाके प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट मास्टर जीके और स्पोर्ट जीके जाके देखिए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 20+ आप जीके में ज़रूर स्कोर कर जाएंगे उसे देखने के बाद, पूरा पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगला जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो बता दें कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जो कि 11 दिसंबर 2018 को अपना पदभार संभाले थे। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के सबसे लंबी गुफा कहाँ है, तो बता दें कि भारत के सबसे लंबी गुफा मेघालय में है, जिसका नाम बलुआ पत्थर की गुफा है। अगला क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो बता दें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो बता दें कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता में है, जिसका नाम कोलकाता अजायब घर है। आपको नाम पूछा होगा कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता अजायब घर, या पूछा होगा कहाँ है तो ये हो जाएगा कोलकाता में, इसे भी याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, संथाल धर्म किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो बता दें कि जो संथाल धर्म है वो हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म तीनों से संबंध रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, वो आया था किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक ऊर्जा है, ऊर्जा का है, ठीक ना, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3:2, भारत के झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, वो है 1 एम्पियर बराबर होता है, तो बता दें कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक ना, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, किस पक्षी का दांत नहीं होता है, तो ये बिना ऑप्शन के क्लियर नहीं होगा, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप लोग इतना आसान क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, तो आप मारे होंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है, मतलब जो भी उनकी रचना है वो दिया होगा और जो रचना नहीं है उनको नहीं दिया गया, ऑप्शन के बिना ये क्लियर नहीं होगा सवाल, तो जो आपको याद होगा कि प्रेमचंद की जो रचना है वो दिया होगा तो याद होगा, तो उसको छोड़ के और जो नहीं दिया है उसको क्या करना है, टिक करना था, तो आप इसको भी बनाए होंगे। मैथ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2 ट्रिगो से, त्रिकोणमिति को अच्छा से आप देख के जाइए, उसके जो भी मान वान है उसको याद कर लीजिए, मेंसुरेशन से देखने को मिल रहा है आप मेंसुरेशन को भी थोड़ा पढ़ लीजिए, माध्यमाधिका से बहुलक निकालने के लिए मिल रहा है, 1 रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 सिंप्लीफिकेशन से और 1 वर्गमूल देखने को हर शिफ्ट में मिल रहा है, तो हो सके तो आप इतना चीज़ मैथ में क्लियर करके जाइए, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो।
और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।